नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धोरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम भूगोल की इस कक्षा में, भौतिक भूगोल की इस कक्षा में पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, जो लाप्लास की निहारी का परिकल्पना है, इसके बारे में जानेंगे। लाप्लास ने 1796 में अपनी संकल्पना दी थी, जिसमें उन्होंने कांट की जो परिकल्पना थी उसमें कुछ संशोधन किया था, कांट की गलतियों को सुधारा था। कांट की गलती जो संकल्पना थी उसमें तीन प्रमुख दोष थे। पहला दोष जो था वो यह था कि उसने ये माना कि कणों के टकराव से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ताप उत्पन्न होता है। दूसरा उसने माना कि कण के टकराव से गति उत्पन्न होती है। और तीसरा उन्होंने माना कि जो वो निहारिका है या जो राशि है, वो आद्य पदार्थ हैं, उसके आकार में वृद्धि के साथ साथ में गति में भी वृद्धि होती है, जो कि सही नहीं था। तो इन तीनों तीनों जो दोषों को हटाने के लिए, सुधार करने के लिए लाप्लास ने एक मान्यता रख ली, तीन कल्पनाएं कर ली। पहली, इन्होंने पहले से ही ये मान लिया कि ब्रह्मांड में एक विशाल तप्त निहारिका पहले से ही मौजूद थी, तो वो गर्म थी, ये उसने शुरू से मान लिया। दूसरा, उन्होंने ये मान लिया कि ये शुरू से ही गतिशील थी। और तीसरा, इन्होंने माना कि ये जो निहारिका थी वह धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, क्योंकि उसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था, और धीरे धीरे ठंडी होने के कारण वो सिकुड़ रही थी और उसके आकार में कमी हो रही, छोटी आकार घट रहा था, और उसके कारण उसकी गति में बढ़ोतरी हो रही थी। तो ये तीनों जो कांट की गलतियां थी उनको उन्होंने अपनी कल्पना के द्वारा सुधार लिया। अब जो इन्होंने माना, उन्होंने ये कहा कि जो ये निहारिका जो थी वो शुरू में गर्म थी, अगर वो वायवीय राशि के रूप में थी, वो गैस के रूप में ही थी। दूसरा, वो धीरे धीरे गतिशील थी और धीरे धीरे वह ठंडी हो रही थी, जिसके कारण उसके आकार में कमी आ रही थी और उसके कारण उसकी गति बढ़ रही थी, और उस गति के बढ़ने के कारण उसकी जो केंद्र प्रसारित बल था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। और केंद्र प्रसारित बल जो था, केंद्र प्रसारित बल के कारण या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बढ़ने के कारण उस जो निहारिका था उसके मध्यवर्ती भाग जो है वह भारहीन होने लगा और वो बाहर की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे जब वो ठंडी होने लगी तो बाहर का भाग जो है वह अंदर के भाग से जल्दी जल्दी ठंडा होने लगा, और इस प्रकार से उनकी जो गति थी उसमें भी अंतर आने लगा। और इस प्रकार क्या हुआ कि जो ऊपरी भाग था वो निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया और वो निचले भाग के साथ में भ्रमण नहीं कर सका, और इस प्रकार ऊपरी भाग सिकुड़ते हुए मध्य भाग से छल्ले के रूप में पृथक हो गया, और छल्ले के रूप में पृथक होने के बाद में वह अलग हो गया, और वह छल्ला जो था वह कई नौ भागों में टूट गया, और वह टूट के हर भाग जो है वह एक गांठ के रूप में, एक गर्म वायव्य ग्रंथि के रूप में धारण कर लिया उसने अपना, मतलब हॉट गैसियस एग्लोमरेशन, मतलब गर्म हर छल्ले का भाग जो था छ, है ना, और ये छल्ला जो था ये बाद में नौ भागों में टूटा, और हर भाग जो था वह टूट के एक गर्म राशि, गर्म वायव्य मतलब गैसियस भाग के रूप में वह एक जगह संग्रहित हो गया, और इस तरीके से नौ ग्रहों का निर्माण हुआ। और इसी क्रिया की जो वापस इन ग्रहों के हर नौ ग्रह की पुनरावृत्ति में एक क्रिया हुई, और जिससे उनके जो उपग्रह थे वो बने। इस तरह से लाप्लास ने ये माना कि उस निहारिका में से एक ही छल्ला निकला था, जबकि कांट ने माना था कि नौ छल्ले निकले थे।
और दूसरा बाद में वो एक छल्ला जो था वह क्या कहेंगे कि एक छल्ला में से 9 पार्ट हुए, उसके 9 टुकड़े हुए और हर टुकड़े से एक एक ग्रह का निर्माण हुआ। और इस तरीके से कांट ने 9 छल्ले निकलने का बात कही है, जबकि लाप्लास ने 1 छल्ले की बात कही है। अब जो इसकी यदि हम मूल्यांकन करें लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की, तो शुरू में तो इसके बहुत सारा इसके 150 साल तक इस संकल्पना को बहुत मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन धीरे धीरे बाद में इस पे सवाल उठाए गए और इसकी बहुत सारी कमियां सामने आई। तो पहले इसकी यदि हम मूल्यांकन करें या इसकी आलोचना को देखें, तो हम देखते हैं कि पहला तो ये बात है कि जो ये संकल्पना जो है वो सौरमंडल के जो विभिन्न ग्रह हैं उनका जो वर्तमान कोणीय आवेग है, जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, वह भ्रमण की अधिकता से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। और दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें तो ये कह सकते हैं कि निहारिका का जो मौलिक कोणीय आवेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता था, कि निहारिका का जो मौलिक कोणीय आवेग था उसके आधार पर उसमें से वो पदार्थ जो हैं वह अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि कोणीय आवेग की स्थिति देखें हम तो आज का जो सौरमंडल का कोणीय आवेग देखें तो उसमें से 98% कोणीय आवेग जो है वह ग्रहों में व्याप्त है और केवल 2% ही सूर्य में व्याप्त है। परंतु यदि निहारिका का जो बचा हुआ भाग यदि सूर्य माना जाए और मौलिक जो मूल निहारिका थी उसका जो कोणीय आवेग की बात करें, तो उसका कोणीय आवेग जिस प्रक्रिया के द्वारा इन ग्रहों का निर्माण हुआ उसके अनुसार आज की जो सौरमंडल में जो कोणीय आवेग का विभाजन है और जो वर्ग उसका जो बांटा गया है कि ग्रहों में 98% है और 2% सूर्य में है, उसको समझाने के लिए मैं असफल होता है, क्योंकि यदि इसके अनुसार 98% या ज़्यादा से ज़्यादा कोणीय आवेग जो है वो सूर्य में होना चाहिए था इस परिकल्पना के अनुसार, लेकिन सौरमंडल में ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये जो बात है, ये जो विलक्षणता है कोणीय आवेग की और उसकी जो स्थिरता का जो सिद्धांत है उसको ये समझाने में ये भी नाकाम रही, क्योंकि इतने दूर जो ग्रह हैं वो सौरमंडल से या सूर्य से कैसे गए। हम देखते हैं कि सौरमंडल में बहुत दूरी पर ग्रह भ्रमण कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर, तो इतने दूर अलग अलग दूरी पर कैसे यह ग्रह गए, इस बात को भी यह संकल्पना नहीं समझा पाती है, जो कि कोणीय आवेग की स्थिरता को समझाने के लिए आवश्यक है। दूसरा बात कहें तो निहारिका से 9 छल्ले ही या जो 1 छल्ला था वो निकला, तो 9 भाग में ही क्यों बटे, 9 से अधिक छल्ले भी निकल सकते थे। तो इस बात को लाप्लास नहीं समझा पाए थे और छल्ला जो है वह केवल 9 टुकड़ों में ही क्यों टूटा और ज़्यादा टुकड़ों में भी टूट सकता है, और हर भाग जो है वो एक जगह इकट्ठा हो ये संभव नहीं था। दूसरी बात, तीसरी बात है यदि हम कहें तो हमें ये पता चलता है कि यदि ग्रहों की उत्पत्ति जो है निहारिका से हुई है तो प्रारंभ में ये द्रवित अवस्था में रहे होंगे, यदि क्योंकि यदि निहारिका से ही यदि इनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि निहारिका जो थी ये लाप्लास की वह वायवीय राशि के रूप में थी, वो धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी से तो
गैस से वो द्रवित माध्यम में आई होगी और फिर वो ठोस हुई होगी। तो द्रवित अवस्था में ये परिभ्रमण और परिक्रमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि द्रव जो होते हैं उसके विभिन्न स्तरों को गति समान नहीं होती है और उनमें घर्षण भी होता रहता है। केवल ठोस पिंड जो है वही सही तरीके से परिभ्रमण और परिक्रमा कर सकता है। तो इस बात को भी लैपलास नहीं समझा पाए थे। और इस परिकल्पना के अनुसार जो सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने जो पिता ग्रह है या जिस ग्रह से उसकी उत्पत्ति हुई है उसी दिशा में घूमना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि शनि तथा बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। ये बात अलग है कि लाप्लास के समय परिकल्पना जब लाप्लास ने दी थी उस समय तक ऐसे ही उपग्रह का पता चल गया था जो अपने पिता के दिशा पिता ग्रह जो जिस दिशा में घूमते हैं उसी दिशा के अनुसार वो घूमते हैं। लेकिन इस बात को कि उनके ग्रह उपग्रह जो हैं शनि और बृहस्पति के वह उसके शनि और बृहस्पति की दिशा के विपरीत दिशा में घूमते हैं, इस बात को लाप्लास नहीं समझा पाए थे। फिर हम बात करें तो यदि सूर्य जो है वो निहारिका का ही एक भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में उभार होना चाहिए था, जिससे ये मालूम पड़ता हो कि एक नवीन छल्ला पृथक होकर बाहर निकला हो। लेकिन ये बात भी देखी नहीं गई है, सूर्य में ऐसा कोई उभार दिखाई नहीं देता है। लाप्लास ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशील और तप्त निहारिका थी, परंतु ये निहारिका आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति के बारे में लाप्लास नहीं समझा पाते हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए ये कई बातें हैं जो कि लाप्लास के सिद्धांत या परिकल्पना नहीं समझा पाती हैं, और इसी कारण से इसको भी बाद में नकार दिया गया था। धन्यवाद बच्चों। अब आगे हम द्वैतवादी संकल्पनाओं के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे।